एनी वन एल्स एक्सेप्ट द महाराजा कहते हैं कि महाराज ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी शेर का शिकार नहीं करेगा सिवाय महाराज को छोड़कर द प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट और यह घोषणा जारी कर दी गई थी इस प्रभाव के साथ में दैट इफ एनी इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर कहते कि अगर किसी ने एक पत्थर भी उठाकर अगर एक छोटा सा पत्थर भी उठाकर शेरों की तरफ मारने का साहस किया तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड भी कौन कॉन्फिस्टिकेटेड उसकी सारी प्रॉपर्टी और धन जो है जबत कर लिया जाएगा द महाराजा वोड महाराजा ने प्रण लिया ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द हंड्रेड टाइगर्स कि वह राज्य के सभी कामों को बाद में देखेगा सो आ, सो टाइगरों की हत्या करने के बाद में इनिशली द किंग सिम्ड वेल सेट टू रिलाइज हिज एम्बिनेशन रिलाइज हिज एम्बीशन कहता है कि आरंभ में तो राजा ऐसा राजा बिल्कुल ठीक प्रतीत हो रहा था कि अब वह अपने इस एम्बीशन के लिए बिल्कुल तैयार था Note that नोट that he faced no danger. ऐसा नहीं है कि उसने किसी खतरे का सामना नहीं किया There were times when the bullet missed. कई बार ऐसा हुआ कि जब गोली निशाना चूक गई It's मार्क्स गोली निशाना चूक गई The tiger leaped upon him. और जो शेर था वो इसके ऊपर झपट पड़ा से, राजा पे झपट पड़ा एंड ही फोर्ट और राजा लड़ा हर बार यह था जिसकी हुई. At time, एक दूसरी बार ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एक बार महाराजा अपना राज सिंहसन खोने के खतरे में पड़ गया था ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम एक उच्च पदासीन ब्रिटिश का सरकारी ऑफिसर ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर वह है टाइगर हंटिंग का बहुत ज्यादा शौक रखने वाला था एंड फोन्डर ऑफ बींग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शूट और फोटो खिंचवाने का भी उसे बहुत शौक था उस टाइगर के पास में खड़े होकर जिसको उसने शूट किया था जिसकी उस जिसने उसका शिकार किया था जिसका उसने शिकार किया था एज यूजल अक्सर ही विश टू हन टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम उसकी इच्छा हुई कि वह प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग करेगा बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हीज डिस लेकिन महाराजा अपनी प्रतिज्ञा में बिल्कुल कठोर थे अडिग थे ही रिफ्यूज परमिशन उसने इस परमिशन के लिए मना कर दिया आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट कहता कि मैं दूसरी शिकार तुम्हारे लिए व्यवस्थित संगठित कर सकता हूँ यू मे गो ऑन ए बो हंट तुम जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हो यू मे कंडक्ट ए माउस हंट तुम एक माउस का शिकार कर सकते हो वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट हम कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट हम एक मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं हम एक मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार है बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल लेकिन शेर का शिकार बाघ का शिकार वो असंभव है द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वार टू दी महाराजा थ्रो दीवान द ब्रिटिश ऑफिसर्स ग्रेटरी सेंट वू दहराजा थ्रो दीवान दैट दुरही किल द टाइगर कहता है कि ब्रिटिश ऑफिसर ने गुप्त रूप से महाराजा के पास में सूचना भेज दी दीवान के थ्रो की जो दुरही है जो ब्रिटिश ऑफिसर है वह सोम में जो है शेर का शिकार नहीं करना चाहता सोम में शेर का शिकार नहीं करना चाहता तो महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग महाराजा शेर का स्वयं शिकार कर सकता है वट वाज वट वाज इम्पोर्टेंट टू दुरही वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग एंडस्टैंडिंग ऑ दाइगर्स काकस कहता है जो दुरही के लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि वह गन पकड़कर फोटो खिंचवाए दैट वॉज इम्पोर्टेंट टू द्रही वाज फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ कहता है कि दुराई के लिए जो इम्पोर्टेंट वो अपना फोटो खिंचवाना है होल्डिंग द गन गन पकड़ते हुए स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स काकस टाइगर की डेड बॉडी के पास में खड़े होकर बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू तो दिस प्रपोजल लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए इफ ही ग्लैंटेड नाउ अगर वह महाराजा अब इसकी बात मान लेता व्हाट वुड ही डू तो वो क्या करता इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टंड अप फॉर टाइगर हंट्स अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर इधर टाइगर हंट के लिए मोड़ जाते तो बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डेजर क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा रो, इच्छा पूर्ति में रोक लगाई थी द महाराजा स्टूड इन डेंजर्स ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इट तो महाराजा इ, इसका मतलब ये हुआ कि जो महाराजा था अब उसका जो सिंहासन था वो खतरे में पड़ गया था तो महाराजा एंड द दीवान हेल्ड दिल दिल भी रेशंस अवर महाराजा ने और दीवान ने इस समस्या के ऊपर एक टेलीग्राम भेज दिया गया ब्रिटिश कलकत्ता में ब्रिटिश ज्वेलरी की एक प्रसिद्ध दुकानदार के पास में सेंट सेम्पल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफ्रेंस डिजाइंस उसमें उसने बताया की भिन्न भिन्न डिजाइन की जो डायमंड की रिंग है जो महंगी डायमंड की रिंग है उनके सैंपल उनके जो नमूने हैं वो भेजे जाएं। सम फिफ्टी रिंग्स अराइव्ड इस प्रकार से कुछ पचास जो रिंग थी अंगूठिया थी वो पहुँची द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी महाराजा ने ये पचास के पचास पूरी अंगूठिया का पैकेट जो है उस ब्रिटिश की पत्नी के पास में भेज दिया किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दैट दुराई सनी टू चूज वन और टू रिंग्स कहता है कि राजा ने और मंत्री ने यह संभावना थी कि उस ऑफिसर की पत्नी उनमें से एक या दो को चुन लेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक और बाकी को वापस भेज देगी विदिन ओ टाइम एट ओ दुराई सेंट हर रिप्लाई तुरंत ही जो है उस की पत्नी ने अपना जवाब भेजा और जवाब में क्या लिखा थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स तुम्हारे उपहारों के लिए तुम्हारे उपहार उपहारों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्थात तो उसने सारी रिंग्स को रख लिया इन टू डेज ए बिल ऑफ थ्री लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर कहता है कि उस ब्रिटिश ज्वेलर्स से राजा के पास में तीन लाख रुपए का चेक आया बिल आया हम इन टू से बिल आया तीन लाख रुपए का एक बार फिर बता देते हैं इन टू डेज दो दिनों के अंदर ए बिल फॉर थ्री लाख रुपीज तीन लाख रुपए का एक बिल आया उस ब्रिटिश ज्वेलर की तरफ से जहाँ से राजा ने अंगूठी मंगाई थी अंगूठियाँ मंगाई थी द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लोस्ट थ्री लाख ऑफ रुपीज महाराजा खुश था बेशक से उसने तीन लाख रुपए गवा दिए हों खो दी हूँ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम लेकिन इस प्रकार से अपने अपने किंगडम को बचाने में सफल हो गया था द महाराजस टाइगर द महाराजस टाइगर हंस कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल महाराजा की टाइगर हंटिंग जो है उच्च स्तर तक सफल रही विदिन टेन ईयर्स ही वॉज एबल टू किल सेवंती टाइगर कहता है कि दस वर्ष में वह सत्ता टाइगर मारने में कामयाब रहा एंड देन और तब एन अनफोर्स हडल ब्रॉट हीज मिशन टू ए एस्टैंसिल फिर एक असंभाविक कठिनाई उसके सामने उसके सामने आ गई और उसके मिशन को रोक दिया द टाइगर पॉपुलेशन वी एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम कहता है कि प्रतिबंधपुरम के प्रतिबंधपुरम के जो वन था उसमें से टाइगर की पॉपुलेशन समाप्त हो गई थी हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल कौन जानता था सा, क्या शायद टाइगर्स ने अपने जन्म जन्म पर जो है नियंत्रण कर लिया था और कमिटिड हर की हरक्री कहते करी का मतलब है सुसाइड कर लेना कहते क्या उसने सुसाइड का कैसे टाइगरों ने सुसाइड करना आरंभ कर दिया था और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट या फिर प्रतिबंध प्रतिबंधपुरम राज्य से वो भाग गए थे बिकॉज दे डिजाय टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड हैंड्स एलोन क्या उनकी इच्छा हो गई थी कि ब्रिटिश ऑफिसरों के हाथों मारे जाना चाहते थे वन डे द महाराजा सेंड फॉर दीवान एक दिन महाराजा ने दीवान के पास बुलावा भेजा दीवान साहब आर डेंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट क्या तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो दर्टी टाइगर स्टिल रिमेन्स टू बी शोट डाउन बाई दिस गन की इस गन से अभी तीस टाइगर शूट होने बाकी है ऑफ माइन गन ऑफ माइन मेरी इस गन से तीस टाइगरों का शूट होना अभी बाकी है he asked, he asked, उसने अपनी गन को घुमाते हुए अर्थात गुस्से में गन को उठाते हुए कहा सनरिंग सडरिंग सॉरी सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन 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 को देखकर डर से कांपते हुए द दीवान क्राइड दीवान चिल्लाकर बोला योर मेजेस्टी आई एम नोट टाइगर कहता है कि महाराज मुझ पे गन मत उठाइए मैं टाइगर नहीं हूँ विच इडियट वुड यू कॉल ए टाइगर कौन मूर्ख तुम्हें कौन सा मूर्ख तुम्हें टाइगर कहता है नो आई एम नोट ए गन कहता कि मैं गन भी नहीं हूँ नो आई एम नोट ए गन नहीं मैं गन भी नहीं हूँ यू आर नाइट द टाइगर नोर गन ना तो तुम टाइगर नहीं ना ही तुम गन हो दीवान साहब आई सम यू है फॉर डिफरेंट पर्पज़ मैंने तुम्हें किसी अलग पर्पज़ के लिए हम पर बुलाया है आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड मैं शादी मैंने निर्णय कर लिया कि मैं शादी करूँगा द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर अब दीवान और भी ज़्यादा हकलने लगा योर मजेस्टी आई हैव टू आई वीज ऑलरेडी मेरे पहले दो पत्नी है इफ़ आई मैर यू अगर मैं तुमसे शादी करूँ डोंट टॉक नॉन सन कहता है कि जो पागल वाली बातें मत करो वाई शुड आई मैर यू मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर जो मैं चाहता हूँ उसका मतलब है टाइगर योर मजेस्टी प्लीज थिंक इट अवर महाराज जरा सोचिए योर एनसेस्टर्स वार मैरी टू दस वार्ड तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार से शादी की इफ़ यू लाइक मैरी दगन अगर तुम चाहो तो गन से शादी कर लो ए टाइगर किंग इज मोर देन इन अना फो कहता कि इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग काफी है एक टाइगर रानी की अपेक्षा ही डजन नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल कहता है कि इस राज्य ने एक टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है तो महाराजा अग्ञ लाउड क्रैक ऑफ लाफर महाराजा ठाका मार के हंसा आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आई दर ए टाइगर और ए गन कहता है कि मैं एक गन या एक टाइगर से बात करने की विचार नहीं कर रहा हूँ बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ हुमन बीन कहता है कि मैं मान में किसी लड़की से शादी करने के बारे में विचार कर रहा हूँ फर्स्ट यू में ड्रा अप स्टेटिक्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन डिफरेंस डिफरेंस नेटिव स्टेट सबसे पहले तो तुमने ये आंकड़ा इकट्ठा करना है कि भिन्न भिन्न अपने किस राज्य के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट आगे चल के तुम इस बात का पता लगाना है इफ़ देर इज अगर कि जिस राज्य के अंदर टाइगरों की संख्या ज़्यादा है क्या क्या उस राज्य में कोई लड़की भी है राजा की आई कैन मैरी इन रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट ताकि उस स्टेट में मैं किसी राजकुमारी से शादी कर सकूं विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन जिसके राज्य के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर टाइगर द दीवान फॉलोड हीज ऑर्डर्स दीवान ने उसके आदेश का पालन किया ही फाउंड द टाइगर ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट उसने एक राज्य से एक लड़की को ऐसा ढूंढा विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर जिसके राज्य के अंदर बहुत अधिक संख्या में टाइगर थे महाराजा जंगजग बहादुर किल्ड और टाइगर्स टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन ला जब भी जब कभी भी महाराज अपनी ससुराल में जाते तो हर बार उन्हें पाँच से छह टाइगरों की हत्या कर दिया करते थे manner, इन दिस मैनर इस तरीके से नाइन्टी नाइन टाइगर स्किन एडोर्ड द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंध पुरम पैलेस कथ प्रतिबंधपुरम राजमहल के इस सम्मानीय हाल की जो दीवारें हैं उन निन्यानवे टाइगरों से शोभित की जा चुकी थी द द महाराजा, दा महाराजा महाराजा ए फीवर की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वैन देर रिमेड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ हंड्रेड जब उसके सो टाइगर पूरे होने में केवल एक टाइगर शेष बच गया था ही हैड दिस वन थोट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट उसको दिन में भी यही विचार आते थे और शाम को स्वप्न भी यही आता था भाई दिस टाइम द टाइगर्स फॉर्म हैड रन ड्राई इवन इन इज फादर इन लास्ट किंगडम कहता है कि इस समय तक उसके ससुराल में भी टाइगरों का मानो अकाल सा पड़ गया था इट बीकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर कहीं से एक टाइगर लाना संभव हो गया था जेट ओनली वन मोर वाज नीडिड कहता कि फिर भी एक टाइगर की और आवश्यकता थी इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट अगर वह केवल एक टाइगर की हत्या और कर देता द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट तो महाराजा को कोई डर नहीं सता रहा होता ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग टुगेदर तो इसी के साथ में मैं टाइगर हंटिंग भी हमेशा के लिए बंद कर देता बट ही है टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर लेकिन उसने इस अंतिम टाइगर से और अधिक सचेत रहना पड़ेगा वट हैड दी लेट चीफ स्टलेजर सेड कहता है कि उस स्वर्गीय चीफ स्टलेजर ने क्या कहा था इवन आफ्टर किलिंग नाइन्टी नाइन टाइगर द महाराजा शुड बी वे ऑफ दंड्रेड कहता है कि निन्यानवे टाइगर बेसक से इसी तरीके से मारने के बाद महाराज आने सुबह टाइगर से सचेत रहना चाहिए ट्रू अप काफ़ी सच बात है द टाइगर वॉज ए स्विज बेस्ट ऑफ्टॉल कहता है कि जो टाइगर होता है वो आखिरकार एक जंगली पशु होता है वन है टू बी वेरी ऑफ इट हर किसी ने इसमें सावधानी बरतनी होती है बट वेयर वैट हंड्रेड टाइगर टू बी फाउंड लेकिन इस टाइगर को कहाँ ढूंढा जाएगर कहते जिंदा टाइगर की अपेक्षा टाइगर का दूध पाना आसान प्रतीत होता था द महाराजा वासंग इन ग्लोम इस प्रकार से महाराजा उदासी में डूब चुका था बट सोन केम दैप्पी न्यूज तुरंत ही एक खुश कर देने वाला समाचार आया विच डिस जिस, जिस समाचार ने इस उदासी को बखेर डाला इन his ओन स्टेट बिगेन began to फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज कहता है कि उसके स्वम के राज्य के अंदर भेड़ गायब होना शुरू हो गई थी वो भी बार बार एक पहाड़ी वाले एक पहाड़ी के पहाड़ी के साइड में जो गांव स्थिर था वहां पर इट was फर्स्ट एस सर्टेंड पहले तो यह निश्चित किया गया दैट दिस वॉज नोट द वर्क ऑफ कादरमियन और विरासामी नाइकर कहते हैं कि ये शेर की जगह पे कोई दूसरे जानवर तो नहीं थे जैसे कादरमियन साहेब या विरानसामी नईकर कोई ऐसे दूसरे जानवर भी तो नहीं थे बहुत फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो टू स्वेलो शिफ होल क्योंकि ये दोनों जानवर भी भेड़ को सीधा निगलने की काबिलियत के पर, के लिए की काबिलियत रख, रख रखने के लिए प्रसिद्ध हैं श्योरली ए टाइगर वाज वर्क नहीं ये स्वाभाविक रूप से <coughs> जो है टाइगर का ही काम था विलेजर रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा कहता कि गांव वालों ने महाराजा को सूचित किया महाराजा अनाउंसड ए थ्री ईयर एग्जन फ्रॉम ऑल टैक्सीज फॉर दैट विलेज महाराजा ने घोषणा कर दी कि अगर ऐसा हुआ तो उस गांव के लिए तीन वर्षों तक सभी प्रकार का टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा एंड सेट आउट ऑन द हंट एटवर्सफ्यूर तुरंत ही वह हंट के लिए शिकार के लिए निकल पड़ा द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड टाइगर आसानी से नहीं मिला इट सिम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट फ्लाउट सॉरी द महाराजेस स्विल ऐसा लगता था मानना कि इसने से अपने आप को छुपा लिया हो महाराजा की इच्छा को ज्यादा सताने के लिए महाराजा की इच्छा को ताना मारने के लिए द महाराजा ने भी समान रूप से दृढ़ संकल्प कर रखा था ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट उसने भी जो है वन को छोड़ने से मना कर देते टाइगर वाज फोन जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाए एज द डे दास्ट ऐसे समय बीतता चला गया द महाराजेस फ्योरी एंड जिद और भी खतरनाक से हो गई थी मैनी ऑफिसर लॉस्ट देर जॉब इस प्रकार से कई ऑफिसरों ने अपनी जॉब भी खो दी थी वन डे वेन इज रेज वाज एट हाइट जब एक दिन महाराजा का गुस्सा चरम सीमा पर था महाराजा कार्ड दीवान महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद और आदेश दिया कि आगे आने वाले टैक्स को डबल कर दिया जाए असंतुष्ट हो जाएंगे टू विल फॉल एप्रे टू नेशनल कांग्रेस तो हमारा जो राज्य है वह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगा दीवान वेंट होम कन्विस्ड दीवान को यह विश्वास हो गया था और वो घर चला गया दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर की अगर दीवान अगर महाराजा को तुरंत टाइगर नहीं मिला द रिजल्ट कुड बी द रिजल्ट कुड बी कैट्सटॉफिक तो जो

जो मैं मे, मद्रास में जो है वहाँ से लाया गया था और फिर इस टाइगर को उसने अपने घर में छिपा कर रखा एट मिड नाइट वहन द टाउन स्लेप्ट इन पीस कहता है कि जब पूरा नगर शांति से रात्रि को सोया हुआ था दीवान इन हिज एज वाइफ द टाइगर टू द कार दीवान ने और उसकी बूढ़ी पत्नी ने घसीट कर टाइगर को कार के पास में लेकर आए एंड सोड इट इन टू द सीट और इसको जो है सीट के ऊपर गाड़ी के अंदर डाला द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्टे टू द फॉरेस्ट दीवान स्वयं ही गाड़ी को चलाकर सीधा जंगल तक लेकर गया वेहर द महाराजा वाज हंटिंग जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहा था शिकार कर रहा था वहन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इस सत्याग्रह जब वे जंगल पहुंचे तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार कार नीचे उतरने के लिए मना कर दिया द दीवान वाज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट कहता है कि दीवान तो मेहनत करके बिल्कुल ही थक चुका था टू होल द बेस्ट आउट ऑफ द कार कार से इस जंगली जीव को बाहर खींच निकालने में पुश इट डाउन टू तो द ग्राउंड और इसको नीचे धक्का मार के जमीन पर किराने में बिल्कुल बिल्कुल ही थक चुका था। On the following day, अगले आने वाले दिन, वही महाराजा उपस्थिति के अंदर घूम रहा था एंड स्टूड इफ इन हमेशन और बड़े ही विनम्र आवेदन कर रहा था खड़ा होकर मानो की खड़ा होकर बड़े ही विनम्र भाव से आवेदन कर रहा था निवेदन कर रहा था मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी मेरे लिए क्या आदेश है इट वाज विद बाउंडलेस जॉय यह सीमा रहित आनंद था दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट महाराजा ने बड़े ही सावधानीपूर्वक इस पशु के ऊपर निशाना लगाया द टाइगर फैल इन ए क्रम्बल्ड हीप और जो जो टाइगर था वो टेढ़ा मेढ़ा होकर मुड़ तोड़कर वहीं पर गिर गया आई हैव किल्ड दंड्रेड टाइगर राजा ने कहा कि मैंने सोवे टाइगर की हत्या कर दी माई वो हैज बीन फुलफिल्ड मेरी जो शपथ थी वो कम्प्लीट हो चुकी है द महाराजा वॉज अवरकम विद इलेशन इलेशन महाराजा ने अपने घरों पर काबू पाया ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन महाराजा ने आदेश दिया कि एक बाहरी जल्लूस के साथ में इस डेड बॉडी इस शेर की डेड बॉडी को कैपिटल राजधानी में लाया जाए तब महाराजा हॉस्टन अवे इन हिज कार महाराजा जल्दी से अपनी कार में निकल गया आफ्टर द महाराजा लेफ्ट महाराजा के जाने के बाद में हंटर्स वैन टू टेक ए क्लोजर लुक एट दाइगर जो हंटर थे जो दूसरे शिकारी थे वे उस शेर का निरीक्षण करने के लिए उसके पास में गए द हंटर लुकड बैक एट दैम टाइगर लुकड बैक एट वापस उनकी तरफ देखा rolling its eyes in में अपनी को घुमाते हुए the उन व्यक्तियों ने महसूस किया मरा नहीं था बुलेट इट्स द बुलेट मिस्ड जो गोली थी वो अपना निशाना चुक गई थी इट हैड फेंटेड फ्रॉम दोक ऑफ बुलेट विजिंग कहते हैं कि जो यह जो पशु था वह गोली के शोर से जो हो गया था फास्ट गोली की तेजी से निकली और उसने आवाज की बेहोश हो गया था हंटर वंडर्ड दंटर वट थे तेजो शिकारी थे उन्होंने इस बात पर हैरानी की उन्होंने क्या करना चाहिए द डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो कि उन्होंने निर्णय लिया कि महाराजा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं पड़ना चाहिए दैट ही एडमिश हिज टारगेट की उसकी गोली निशाना चूक गई थी इफ ही डिड अगर उन उसको पता चला दे कुड लूज उनकी नौकरियां चली जाएगी वन ऑफ हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ वन फुट कि उनमें से एक हंटन से एक फुट की दूरी से निशाना लगाया टाइगर और टाइगर को मार दिया दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क्स इस प्रकार बिना निशाना चूकी अब की बार उसकी हत्या हो गई थी देन एज कमांडेड बाय द किंग जैसे कि राजा का आदेश था द डेड किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बियर्ड कहता है कि उस मृत टाइगर को एक जुलूस के अंतर्गत नगर से लाया गया और फिर उसको दफनाया गया ए टॉम वाज इरिटेड ओवर इट उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के पश्चात में था महाराज सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड महाराजा के लड़के का तीसरा जन्मदिन मनाया गया था अनटिल देन महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग अब तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान टाइगर हंटिंग पर लगा रखा था ही हैड स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस अब तक अब तक महाराजा के पास कोई समय नहीं था उस उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए बट नाउ द किंग टाउड हीज अटेंशन टू द चल लेकिन महाराजा ने अब अपना ध्यान उस बच्चे की तरफ किया ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हीज बर्थडे महाराजा की इच्छा थी कि अब वह उसके जन्मदिन के ऊपर कुछ विशेष गिफ्ट देना चाहता था ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम प्रतिबंधपुरम के एक शॉपिंग सेंटर में गया एंड सस्त एवरी शॉप और हर एक दुकान पर उसने देखा तलाशा बट वूडेंट फाइंड एनी थिंग सुटेबल लेकिन कोई भी अच्छा गिफ्ट उपयुक्त गिफ्ट नहीं मिला फाइनली ही स्पॉटेड वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप अंत में उसने खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का देखा परफेक्ट गिफ्ट था द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली टू आना एंड एक वार्टर उस लकड़ी के शेर की कीमत केवल सवा दो आना थी बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस प्रायस्तुदा महाराजा कि अगर उसने महाराजा को इतना छोटा इतनी छोटी सी कीमत महाराजा को बताई ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी तो आपातकालीन सिद्धांत के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा सो ही सड इसलिए उसने कहा योर मेजस्टी महाराज दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप कारीगरी का यह एक अत्यंत दुर्लभ नमूना है ए बार्गेन एट थ्री हंड्रेड रुपीज इसलिए उस उस खिलौने को लेने में जो बार्गेनिंग हुई वो तीन सौ रुपये में निश्चित हो गई ए वेरी गुड लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्रोन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे कहते हैं उसके जन्म कहते हैं कि राजकुमार के जन्मदिन के ऊपर यही पेशकश रहेगी गिफ्ट के तौर पर सैड द किंग और राजा ने कहा एंड टुक इट अवे विद हिम और उसको इस गिफ्ट को अपने साथ में ले गए ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर उस दिन पिता और पुत्र दोनों ही इस छोटे इस नन्हे छोटे से टाइगर के लकड़ी के टाइगर के खिलौने के साथ में खेल रहे थे इट हैड बिन कवर्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर इस खिलौने को किसी एक कुशल ने तराशा था इस सरफेस रफ इसका जो ऊपर का सरफेस था वो बहुत ही खुर्दीला था टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट कहने का भाव है कि इसके ऊपर इसके ऊपर कील के समान इसके ऊपर कील के समान जो है इसका धरातल बहुत खुरदरा था लकड़ी के छोटे रेसे इस पर काटों की तरह खड़े हुए थे वन ऑफ दो सिल्वर पियस्ट द महाराज राइट हैंड इन में से एक रेशा जो था एक जो काटा था वो महाराजा के दाइ हाथ में चुभ गया ही पुल्ड इट आउट विद हीज लेफ्ट हैंड महाराज ने इसको बाएं हाथ से खींचकर निकाल दिया एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस और राजा और उस राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा नेक्स्ट डे इन द महाराजा राइट हैंड अगले दिन तक जो संक्रमक संक्रमण था वो महाराजा के दाएं हाथ में फैल गया इन फोर डे चार दिनों में डेवलप्ड इन टू ए इंटू एटिंग शोर विच स्प्रेड ऑल अवर धार्म और बाद में अगले चार दिनों में यह एक इसमें एक ऐसा घाव बन गया जिसमें मवाद पड़ गई थी और ये पूरी बाजू पर फैल गया थ्री फेमस इन फ्रॉम मद्रास सर्जन से सर्जनों को बुलाया गया आफ्टर होल्डिंग एक कंसल्टेशन दे ऑपरेट एक लंबी मंत्रणा करने के बाद में उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया द ऑपरेशन टुक प्लेस ऑपरेशन किया गया द थ्री सर्जन्स हु परफॉर्मड इट केम आउट ऑफ दी ऑपरेशन थिएटर तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए अनाउंस्ड और उन्होंने घोषणा की था ऑपरेशन वो सक्सेसफुल कि ऑपरेशन तो सफल हो गया द महाराजा की मृत्यु हो गई इन दिस मैनर हंड्रेड टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन दी टाइगर किंग कहता कि इस प्रकार से सोवे टाइगर ने अपना अंतिम बदला राजा से ले लिया था इस प्रकार से सोवे बाग ने अंत में शेर खान से अपना बदला ले लिया था अच्छी प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन की गई है मेरे विचार में ये लेसन आपको भले प्रकार से समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग लेसन रिटर्न बाई अनश जंग इस चैप्टर में लेखिका ने बताया है उन लोगों का जीवन जो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं